कि मतलब एक्चुअली जहाँ मेरा होम टाउन है पटना में भी ऐसा वर्क होता है, और मतलब ये चीज़ होना चाहिए, पहले ये नहीं था, बट बिकॉज ऑफ गियर प्लस ये अभी पॉसिबल है पटना में कि ये काम अच्छा हो रहा है। तो सेरेमिक या कोई भी मतलब पेंट पेंट करेक्शन को लेकर जहाँ भी मैंने डिटेलिंग स्टूडियो या वॉशिंग सेंटर मैंने विजिट किया है, वहाँ पे मतलब सब लोग ने अप्रिशिएट किया है कि स्वागत है आपका गियर प्लस ऑटो केयर में। इस थार पे हम लोगों ने 6 मंथ बैक सेरेमिक कोटिंग किया था और ये आज गाड़ी आई थी रीचेकअप के लिए। बेसिकली हुआ यूँ था कि थोड़ा सा गाड़ी पे एक्सीडेंट हो गया था और स्क्रैचेस और डेंटिंग आ गया था, तो हम लोगों ने डेंटिंग ठीक किया, स्क्रैचेस ठीक किया और पेंट भी एक पैनलो किया है और उस पर हम लोगों ने सेरेमिक कोटिंग भी कर दिया है, क्योंकि उसको फिर से पेंट करने के बाद उस पर से सेरेमिक कोटिंग तो हट गया था, तो फिर से हम लोगों ने सेरेमिक कोटिंग भी कर दिया है। क्योंकि हम बोलते भी हैं कि जब हम लोग सेरेमिक कोटिंग करते हैं तो हम कस्टमर को बोलते हैं कि जब भी आप आपका ड्यूरेशन है, अगर आपका एक भी दरवाज़ा हो या कोई भी पैनल्स हो, अगर उसमें डेंट आ गया हो, तो अगर आप कहीं भी पेंट करवा रहे हैं या हमारे यहाँ पेंट करवा रहे हैं, तो उस गाड़ी पर हम लोग फिर से उस पार्ट्स पर हम लोग फिर से कोटिंग करके देते हैं सेरेमिक कोटिंग को। तो 7 मंथ्स आप देख सकते हैं, 7 मंथ्स के बाद भी आज गाड़ी कैसी लग रही है। और आइए हम लोग जानते हैं कि हमारे जो कस्टमर हैं, इन्होंने बहुत सारे गाड़ियां हम लोग को अपने फ्रेंड लोग की भी दी है, क्योंकि ये खुश थे उस समय। आज जानते हैं कि 7 महीने बाद भी क्या है, सेरेमिक कोटिंग का क्या फ़ायदा है और क्या इनको अच्छा लगा कि नहीं लगा। हाँ, ये सेरेमिक का तो मतलब एक्चुअली में बेनिफिट है, और मैं बाहर भी गया हूँ दिल्ली पुणे, तो मतलब जहाँ भी मैंने डिटेलिंग स्टूडियो या वॉशिंग सेंटर पे मैंने विज़िट किया है, वहाँ पे मतलब सब लोग ने अप्रिशिएट किया है कि मतलब 6 मंथ होने के बाद भी मतलब ये चीज़ मतलब ठीक है। फिर मतलब हम लोग के लैंग्वेज में बोला जाए तो मेनली ये वर्थ मतलब पैसा जितना वर्थ लगा है, और ओवरऑल मतलब हम लोग के लैंग्वेज में बोला जाए तो ये मतलब पैसा वसूल मतलब था। और अभी भी आप देख सकते हैं मैं यूज़ कर रहा हूँ, और जहाँ भी मैंने आपको अभी बोला कि गया हूँ मैं, अप्रिशिएट ही किया सब लोग, और सेरेमिक का मैं ये। अच्छा, ये गाड़ी लेके बेसिकली मूव करते रहते हैं दिल्ली पुणे में, ये पढ़ाई भी करते हैं, तो इन्होंने एक बार फ़ोन करके पूछा कि हम तो दिल्ली पहुँच गए हैं, हम वॉशिंग कहाँ करवाएं, तो हम लोगों ने बोला कि आप जाइए कोई डिटेलिंग सेंटर होगा, वहाँ पर भी बहुत सारे हैं, वहाँ जा कर डिटेलिंग सेंटर पर ही अपना वॉश करवाइएगा, क्योंकि वो प्रॉपरली केयर करेंगे। तो इन्होंने जब भी अगर ये आउट ऑफ स्टेशन होते हैं तो कोई डिटेलिंग सेंटर पे ही अपना थार को वॉश करवाते हैं, बेसिकली ये पुणे में डिटेलिंग सेंटर में ही वॉश करवाते हैं। तो इन्होंने खुद बताया कि बाहर के भी डिटेलिंग सेंटर ने जब ये गाड़ी देखा तो वो बहुत आश्चर्य थे कि बहुत अच्छा काम हुआ है और बहुत अप्रिशिएट किया इनको। तो उस समय कैसा लगा? उस समय तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब एक्चुअली जहाँ मेरा होम टाउन है पटना में भी ऐसा वर्क होता है, और मतलब ये चीज़ होना चाहिए, पहले ये नहीं था, बट बिकॉज ऑफ गियर प्लस ये अभी पॉसिबल है पटना में कि ये काम अच्छे से हो रहा है, मतलब सेरेमिक वे कोई भी मतलब पेंट पेंट करेक्शंस को लेकर कुछ भी सब चीज़ हो रहे हैं अच्छे से। थैंक यू, और चाहेंगे कि आप और ज़्यादा से ज़्यादा रेफरेंस हम लोग को दें, और आपका जो भी कलीग हैं जो भी हैं वो हमारे पास आए, और हम इनके बारे में बताएंगे कि ये बहुत मतलब माय डियर हैं, आते हैं गाड़ी छोड़ के चले जाते हैं, बोलते हैं जो आपको अच्छा लगता है इस पर कीजिए, हमको कोई मतलब नहीं है, आप हमको पता है आप लोग अच्छा करेंगे। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर मिलेंगे आपसे एकदम, भगवान करे और नया नया गाड़ी खरीदे, इनका किया भी है
तो और ये कर दे, और बहुत फैंसी है, नंबर इनका बहुत फैंसी है। तो फिर मिलेंगे, कोई नया जो हमारे कस्टमर है जिन्होंने सिरेमिक हमसे करवाया है उनका भी फीडबैक लेंगे कि उनको अभी कैसा लग रहा है सिरेमिक के बाद। थैंक यू वॉचिंग गियर प्लस के लिए।